जय हिंद जय हिंद। मैं अभय सिंह देवतिया और आज की वीडियो में बात करेंगे 5 किलोमीटर के धावक के लिए। जितने भी धावक हैं, जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं 5 किलोमीटर या स्टार्ट कर चुके हैं पर उनका टाइम काफी खराब आ रहा है, 30 से अबव आ रहा है या पूरा नहीं कर पाते, थक जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं बीच में, तो आज की वीडियो में उस टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट से ही बात करते हैं, 5 किलोमीटर के लिए 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे साथ से, तो इनसे बात करेंगे कि क्या इंप्रूवमेंट है, पहले कितना टाइम था, स्टार्टिंग कैसे करी थी, सब बात करेंगे। बाद में बताएंगे इन्होंने क्या क्या करा, ठीक है। सबसे पहले पूछता हूँ कि जब आप आए थे 5 किलोमीटर का टाइम लिया था, सच सच बताना, मजाक नहीं, ठीक है। 5 किलोमीटर आपने मैंने आपसे लगवाई थी तो पूरा कर पाए? सर मेरे पे मतलब हाफ लगा ही नहीं, मतलब 15 राउंड में 12 राउंड में नहीं मर पाया मैं, और उसके बाद मेरा टाइम आया था कुछ 30 ऐसे कुछ आया था उसके बाद टाइम। फिर इसका एक वीक बाद मैंने इसका टाइम लिया था, पहले टाइम लिया उसमें इसका पूरा ही नहीं लगा था, सच्चाई है, ठीक है, कोई झूठ नहीं है, सच्चाई है बिल्कुल। देखो आर्मी की कसम है, पहला नहीं लगा था, बिल्कुल नहीं लगा था, कसम खाली है भाई, ठीक है, पहला बिल्कुल नहीं लगा था। दूसरा जब टाइम लिया था 30 से अबव टाइम को था, और प्रूफ के साथ बताऊंगा अभी लास्ट में, अभी आप कह रहे होंगे कि क्या प्रूफ है, अभी रुक जाओ, ठीक है। और जब मैंने आपका 2 वीक बाद टाइम लिया था, जब टाइम कितना आया था सर? अभी जो लिया था, हाँ अभी जो लिया था, उसमें मेरा आया था 20:51:52 ऐसे कुछ आया था, 20:51 आया था, ठीक है। और ये है YouTube पे लाइव, आप जाके मेरे चैनल पे चेकआउट करो, 1 वीक पहले ही वीडियो है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, पिछले संडे की वीडियो है 5 किलोमीटर रनिंग लाइव की, उसमें यही बंदा भागता हुआ पूरा लाइव मैंने दिखाया, उसमें 20:51 में इसने मारा। इसने क्या चीज़ फोकस करा, किस चीज़ पे ऐसा फोकस करा जो इसका इतना इंप्रूवमेंट आया? सबसे पहले मेन था इसका वर्कआउट अच्छा था, पूरा वीक कंटिन्यू रहा, एक वीक भी नहीं छोड़ा, जो बहुत कहते हैं कि मैं एक दिन करता हूँ अगले दिन मेरे पैर दर्द होता है, पैर दर्द हुए नहीं सर, पहले होते थे अब नहीं होते, क्यों? ये इंप्रूवमेंट है, ये इंप्रूवमेंट की एक निशानी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पैर दर्द होंगे, कंट्रोल करो उस चीज़ को, ठीक है, और अपने डाइट पे अच्छे से फोकस करो। और थोड़ी मैं जानकारी के लिए बता दूं, 5 किलोमीटर के लिए सबसे पहली बात जो मेरे पे कमेंट आ रहे हैं कि मैं स्लो रनिंग करता हूँ वर्कआउट में, स्लो रनिंग से क्या होगा, आप 5 किलोमीटर रनिंग कर रहे हो भाई, ठीक है, अगर आपको पेपर देना, आपको अच्छा पेपर देना तो आप अच्छे से मेहनत करोगे ना, तो वही चीज़ है, अपने जो वर्कआउट है वर्कआउट अच्छे से करो। 5 किलोमीटर रनिंग है आपकी तो 10 किलोमीटर लगाया करो, सप्ताह में 2-3 दिन तो लॉन्ग करा करो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, और ईजी रनिंग बिल्कुल मत करो, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 1 घंटे की लाने की कोशिश करो, अगर आप 1 घंटे के आसपास लाओगे तो पक्का आप 5 किलोमीटर 20 से डाउन टकोगे, और आप क्या होगे 1 घंटे में नहीं लगती, हमारे स्टूडेंट खूब मारते हैं, इसने भी 1 घंटे में मार रखी है 15 किलोमीटर, ठीक है, तो आराम से लग जाती है। सबसे पहले होगा आपका मेन वर्कआउट, वर्कआउट अच्छा होना चाहिए, दूसरी चीज होनी चाहिए स्ट्रेचिंग। मेरे पास ये भी कमेंट आ रहा है रनिंग करने के बाद 2 दिन के बाद पैर जो है काफ़ी दर्द होने लग जाते हैं, ये जो मसल्स है ये खींचती है पीछे से, क्यों? आप जो है स्ट्रेचिंग नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, अगले दिन के लिए प्रॉपर रेडी नहीं हो पाते, ठीक है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम देता है। हमारे चैनल पे 5 किलोमीटर रनिंग के लिए वर्कआउट, ट्रेनिंग, डाइट भी बहुत जल्दी आ जाएगी, कल मैं वीडियो डाल दूंगा डाइट के लिए भी, डाइट काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप रनिंग कर रहे हो आपकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही है, आप थक रहे हो, थकने के लिए रिकवरी चाहिए, रिकवरी कैसे मिलेगी? डाइट अच्छे से डाइट लेने से, लोकल डाइट लोगे, नॉर्मल खान पान रखोगे, रोटी सब्जी और सो जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, तो अच्छे से डाइट स्टार्ट करो, अंडे स्टार्ट कर दो, फास्ट फूड को बिल्कुल अवॉइड कर दो, नॉन वेज पे आ जाओ, अंडे चिकन, सप्ते में 2 बार तो चिकन खाओ, ठीक है, अंडे खाने काफ़ी ज़रूरी है, अगर अंडे ज़रूरी है अगर आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी है तो, ठीक है, और स्मोक वगैरह इनसे दूर रहो, बहुत जो स्मोक करते हैं 5 किलोमीटर करते हुए भी, रनिंग करते हुए बहुत स्मोक भी करते हैं, पता है हमें, ठीक है, तो इन चीज़ों से दूर रहना, आपको जितना भी है ना डाइट पे फोकस करना है। कितना टाइम है, अगर आप आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हो, जितना भी असम राइफल है, एसएससी जीडीए इनके लिए तैयारी कर रहे हो ना, 2-3 महीने अपने मेहनत कर लो अच्छे से, बाद में कर लेना जो कुछ करना है, फास्ट फूड खाना है बाद में खा लेना, आराम से 2-3 महीना आराम से मेहनत करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको जो है रेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे आपने 10 किलोमीटर रनिंग कर ली उसके बाद कुछ मत करो, शाम को भी वार्म अप करो, एक्सरसाइज करो, छुट्टी करो, और अपने रेस्ट का मतलब है सोना, रेस्ट का मतलब ये नहीं छुट्टी, रेस्ट का मतलब प्रॉपर सोना, 8-9 घंटे की नींद लेना, एक नॉर्मल बंदे के लिए 8 घंटे की नींद होती है, तो आपको 9-10 से अबव नींद लेनी ही लेनी है, ठीक है, अगर आपको इंप्रूवमेंट लाना है तो। और मसाज पे ज़्यादा ध्यान दो, अगर पेन होता है तो आइजिंग पे ज़्यादा ध्यान दो, आइजिंग से इस्तेमाल करो और उसे बांध लिया करो, एक रेस्ट जैसे हम बोलते हैं राइज मेथड, ठीक है, रेस्ट, आइज और एलिवेशन और ये कंप्रेशन, ये होता है, ठीक है, एलिवेशन का मतलब होता है आपके चेस्ट से वो जो है पैर होने चाहिए, सिन पिन वगैरह की प्रॉब्लम ये भी दूर हो जाती है, ठीक है, सब मिल जाएगा हमारे चैनल पर। और 5 किलोमीटर के लिए ना कभी भी ईजी वर्कआउट मत करो, ठीक है, 5 किलोमीटर रनिंग एक ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग रनिंग में आ जाती है, ठीक है, उसके लिए आप जो है हिल रनिंग स्टार्ट कर दो, स्टेयर रनिंग करने लग जाओ, बहुत कहते हैं मेरा स्टेमिना नहीं बन पाता 5 किलोमीटर में, मेरी हालत ख़राब हो जाती है,
तो अपने साथ एक ऐसा बंदा लेकर चलो जो 5 किलोमीटर से अच्छा मारता हो, जो काफ़ी अच्छा टाइम लेता हो, वो आपके साथ रनिंग कर सकता है। या जैसे हम लाइव बैठ के बाइक पे बैठ के बच्चे को मोटिवेट कर रहे थे, ऐसे कोई कर सकता है बाइक पे बैठ के आपको मोटिवेट कर सकता है, उससे काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, 5 किलोमीटर का। और ये भी कहते हैं 5 किलोमीटर से मेरे को डर लगता है। भाई डर इसलिए लगता है, प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस करो, 5 किलोमीटर का 2 हफ्ते में टाइम लो। अगर आपकी अब तो भर्ती आने वाली है तो 2 हफ्ते में टाइम लो लो। ठीक है, चाहे टाइम कितना आए, 30 आए, कुछ है, ठीक है। और आप हर बार कोशिश करो मेरा उससे कम आए। ठीक है, अगर 30 आ रहा है तो अगर आप हर बार कोशिश करोगे मेरा 25 आ जाए, फिर 20 आ जाए। अब अगला टाइम लूँगा मैं तेरा अगले वीक संडे को, अगले संडे, आज ये संडे है, आज इस संडे को आ रही है, 7 दिन के बाद टाइम आएगा। अब देख लेना कितना आएगा, 19 से डाउन मारेगा, 19 के आसपास पक्का। ठीक है भाई, 20-51 मारी थी, 21 मान लो, पूरा 21 ही हो गया, 21 से अब डाउन मारेगा। अगर ये 19 में यहाँ मार देता है तो असम राइफल में, और वो भी नॉर्मल, मतलब कोई इसके साथ टीम नहीं होगी, अकेला मारेगा। और बैच में तो और अच्छे से लग जाती है, बैच में 2-3 मिनट कम लगा ही लो। ठीक है, तो ये फायदा हो जाता है। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अपने वर्कआउट डाइट रेस्ट अच्छे से प्रॉपर। बिगिनर्स के लिए जो 28 मिनट से मार रहे, एक कमेंट आया था, उन्होंने बोल रहा था कि 28 मिनट में लग रहा है, मैं जो मेरा मिनट है वो कम कैसे करूँ। हाँ, जो ये कहते हैं ना 28-29, उनके लिए मैं बता दूँ, अगर वो कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आप एक गलती काफ़ी कर रहे हो, वो कर रहे हो आप जो है स्लो फास्ट रनिंग करने लग रहे हो, मतलब बीच में स्लो कर दे रहे हो, बीच में फास्ट कर दे रहे हो, मतलब एक पेस नहीं बन पा रही। आई बटन पे लाइव वाली वीडियो लगा दूंगा, बंदे ने जिस तरह स्टार्टिंग करी, पहला राउंड आया इसका 400 मीटर का 1:51-52 ऐसे कुछ आया था, ध्यान नहीं मेरे को, ऐसे आसपास आया था, बहुत ज़्यादा टाइम आया था। फिर बाद में जो पेस बढ़ाता चले गया। आप क्या करते हो, स्टार्टिंग में पेस बना देते हो, आप स्टार्टिंग में ही थक जाते हो, फिर लास्ट में कैसे भग पाओगे, तो ये फायदा होता है। ठीक है, तो यही इसने पहले गलती करी थी जो 30 मिनट वाला टाइम था, और अभी जो 20 मिनट का वो सेम प्रोसेस है। ठीक है, कि आपको स्टेमिना जो है बचा के रखना है, बाद में अपनी स्टेमिना पूरी पावर लगा देनी जितना लास्ट का दम है। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। तो बस इसी वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और बहुत जल्दी कल डाइट की वीडियो ले आऊँगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे इस वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आपकी और कोई प्रॉब्लम है। तो लगभग सारी मैं वीडियो लिया हूँ 5 किलोमीटर के ऊपर, टिप्स स्टेपिंग कैसे करनी है, या लाइव भी दिखा दी मैंने कि किस तरह भागना चाहिए, और वर्कआउट के ऊपर सब कुछ, और डाइट भी आ जाएगी। तो बस इसी वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद।